कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी दुकान पर सामान लेने गए और जब यूपीआई करने लगे तो ध्यान आया कि अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है। ऐसे में अब आपको सामान वापस करने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट आप ऐसे सिचुएशन में भी यूपीआई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो भी आप यूपीआई कर सकते हैं। कैसे, चलिए आपको वीडियो में बताते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बैंकों को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो अपनी यूपीआई यूजर्स को एक क्रेडिट लाइन फैसिलिटी ऑफर कर सके। यानी आप पहले से ही तय एक सीमा तक पैसे यूपीआई से क्रेडिट पर लेकर खर्च कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये कैसे होगा, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अभी तक ग्राहक सिर्फ अपने सेविंग्स अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई सिस्टम से लिंक कर सकते थे, लेकिन अब आप अपनी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करके भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप पहले ये जानते हैं कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन होता क्या है, जिसका जिक्र अभी मैंने किया। ये एक तरह की ओवरड्राफ्ट सुविधा है जो बैंक अपने यूपीआई यूजर्स को दे रहा है। इस सुविधा को गूगल पे, पेटीएम, मोबिक्विक या किसी अन्य यूपीआई ऐप के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि सबसे पहले बैंक को आपसे इस सुविधा को एक्टिवेट कराने की इजाज़त लेनी होगी। जब यह क्रेडिट लाइन अप्रूव हो जाएगी तो आप यूपीआई के जरिए इस क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें कुछ बैंक क्रेडिट लाइन की इस्तेमाल की गई सीमा पर चार्ज भी वसूलते हैं, तो कुछ बैंक आपको कुछ दिनों की मोहलत दे देते हैं। जिस तरह से एक तय ड्यू डेट पर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं, उसी तरह आपको यूपीआई की क्रेडिट लाइन का बिल ड्यू डेट तक चुकाना होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाय नाउ पे लेटर काम करता है। अगर आपको यूपीआई नाउ पे लेटर की सुविधा इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले आपको इसके लिए अपने बैंक से बात करनी होगी। आप चाहे तो बैंक की वेबसाइट या ऐप पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। कई बैंकों ने इसे पहले से ही लॉन्च किया हुआ है और आपकी परमिशन के बाद आपकी एक क्रेडिट लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। कुछ बैंकों में इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको वन टाइम प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ सकती है। जैसे कि HDFC बैंक इसके लिए करीब 150 रुपये चार्ज करता है और उसके बाद आपकी जो ये क्रेडिट लाइन है ये एक्टिवेट हो जाती है। अब आपको कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। पहली, HDFC और ICICI बैंक UPI नाउ पे लेटर की सुविधा के तहत करीब 50,000 रुपये तक की क्रेडिट लाइन दे रहे हैं। हालांकि आपको कितनी क्रेडिट लाइन मिलेगी ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करेगा। अलग अलग बैंक की अलग अलग ये क्रेडिट लाइन की सीमा तय की जाएगी। ये आपके बैंक के ऊपर भी निर्भर करता है, प्लस आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी निर्भर करता है। दूसरा है, मौजूदा वक्त में आप इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ मर्चेंट्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए किसी को पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपको अपने किसी फ्रेंड को पैसे ट्रांसफ़र करने, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। आप जब शॉपिंग कर रहे हैं, आपको मर्चेंट को पैसे भेजने हैं, तो आप मर्चेंट को वो पैसे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफ़र ऐसे नहीं कर सकते। तीसरी बात जो इसमें ध्यान रखने की है वो ये है कि इस सुविधा को एक्टिवेट करने से लेकर इस्तेमाल करने और इसके भुगतान ना कर पाने पर अलग अलग बैंक अलग अलग चार्ज लगा सकते हैं। ये टोटली आपके बैंक पर डिपेंड करेगा कि वो आपसे कितना चार्ज वसूलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको UPI नाउ पे लेटर की जो ये नया फीचर है, ये नई फैसिलिटी है, ये आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके इस पर क्या व्यूज़ हैं आप हमें लिख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।